दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। लीला देवी ब्लॉग पे आपका स्वागत है और बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। और दोस्तों लोगों, मैंने काम को चालू करा है। बिस्कुट मैंने पहले बताया था कि हम लोगों की छोटी सी बिस्कुट की दुकान है जिसमें हम अपने हाथों से खुद बिस्कुट बनाते हैं, बिस्कुट बेकरी, क्योंकि उसमें हम थोड़ा बहुत बिस्कुट बना लेते हैं। बीच में पति जी की तबीयत ख़राब होने के बाद 2-3 महीने तक हमने काम बंद किया था, काम नहीं किया था। और कल आज हम अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा फैन बनाए थे और बिस्कुट बनाए थे। आज हम मड्डू के बिस्कुट बना रहे हैं और मड्डू के बिस्कुट हम अपने हाथों से ही मेरे पति देव जी बनाते हैं और मैं पैकिंग कर रही हूँ। अब उनको दिखा रही हूँ कि मड्डू के बिस्कुट ही बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और दोस्तों लोगों, आज के ब्लॉग में यही बिस्कुट अपने घर के अंदर जो मैंने हमने बनाया वही दिखा रही हूँ। और फिर मैं आजकल, आपको पता है कि एक पेड़ लगाने में 100 पुत्रों के समान होते हैं। आजकल जंगलों में चीड़ के पेड़ की वजह से बहुत ही गर्मी हो रही है और आग लग जाने डर है। आप लोग भी हरी भरी पेड़ लगाओ, जैसे कि फलों के पेड़ और बांज हो गया, बोबरूस हो गया और सब कुछ जो है, फल आम हो गए, अमरूद हो गए, लीची हो गई, सब कुछ। आजकल आमों के पेड़ आए हैं, उनको आप लोग भी लगाओ और मैं भी लगा लूँ, क्योंकि हमारी तो जगह यहाँ पे कम है, ऊपर गांव में जगह है तो वहाँ हम लगा आए हैं। और लेकिन एक दो पेड़ मैं यहाँ भी लगा रही हूँ। और आपको आज का मेरा काम यही है, बिस्कुट पैक करना, पेड़ लगाना, बस यही काम कर रही हूँ। हेलो दोस्त लोगों, जैसे कि आज हमने बनाए मड्डू की बिस्कुट, ये है हमारी बेकरी, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई है। और ये पैकिंग करी मैं मड्डू की बिस्कुट और ये बने हुए हैं मड्डू की बिस्कुट, जो कि ये हैं मड्डू की बिस्कुट। और जो मैं आधा किलो की पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आधा किलो की पैकिंग है, ये मड्डू की बिस्कुट हैं। और दोस्तों लोगों, शुगर फ्री हैं और आज हम बिस्कुट बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है कि था कि मेरे पति जी की तबीयत ख़राब हुई थी, ऑपरेशन करने गए थे। तो ऑपरेशन करने के बाद फर्स्ट बार आज हम अपने भट्टी पे बिस्कुट बना रहे हैं और वो भी हल्का फुल्का ही बिस्कुट बना रहे हैं, क्योंकि कुछ हमने भट्टी के ऊपर रखे हैं बना के और कुछ मैं पैकिंग कर रही हूँ इस समय। और मड्डू के बिस्कुट तैयार करने के बाद मैं आप लोगों को, क्योंकि ये मड्डू के बिस्कुट बड़े चाव के साथ बनते हैं, क्योंकि इसमें, क्योंकि सबसे पहले इसमें मड्डुआ होता है, जो कि हमारे घरेलू, हमारे पहाड़ी लोगों का मड्डुआ, आप लोगों को पता है कि कितना शरीर के लिए कितना सुखदायक है और कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसीलिए मैदे के बिस्कुट छोड़ के हम मड्डू के बिस्कुट बना रहे हैं। और मड्डुआ अभी लाल, बिल्कुल लाल है, विकास का मड्डुआ है, क्योंकि आजकल काला मड्डुआ तो रहने का, लाल होता है पिसा के, और वही बिस्कुट हम लोग बना रहे हैं। और ये देखो, और पैकिंग कर रही हूँ मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत ही आज मैंने बनाए हैं हमने मड्डुआ के बिस्कुट। और कुछ ट्रे हैं जो बनाए हैं और वो ऊपर ट्रे में रखे हुए हैं बिस्कुट, और ये भट्टी अभी बंद कर रखी है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बनाई, अब मैं पैकिंग कर रही हूँ। और दोस्तों लोगों, आप लोगों को किसी को मड्डू की बिस्कुट चाहिए और मड्डू की बिस्कुट की ज़रूरत हो तो हमें संपर्क करना और मैसेज करना, क्योंकि हम मड्डू के बिस्कुट ताज़ा बनाते हैं और ताज़ा ही बिक्री करते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री भी हैं और बच्चों के लिए भी लाभदायक हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये तो पोषक, जैसे आजकल तुम कुछ भी खिला रहे हो तो उससे अच्छा ये उनके शरीर में मड्डू के बिस्कुट, चॉकलेट बिस्कुट कह के बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को ज़रूरत होगी और नहीं भी होगी, हमारा तो काम है दोस्तों लोगों, क्योंकि हमारे तो, हम तो बिस्कुट बनाते हैं, फैन बिस्कुट सारे कुछ बनाते हैं, क्रीम रोल से लेकर, लेकिन ये आइटम हमारा सबसे अच्छा चलता है, क्योंकि ये मड्डू का बिस्कुट है और मड्डू के बिस्कुट हम लोगों को अवश्य चाहिए, क्योंकि ये मड्डू के बिस्कुट, आज तो हमारा काम ढेर कम हो गया, क्योंकि पति जी की तबीयत हमारी ठीक नहीं थी अंदर, ये तो बाहर से हमारी दिल्ली तक, दिल्ली बाहर सप्लाई होती है, क्योंकि 10-10 बार किलो हर एक अपने मम्मी पापा के लिए ले जाते हैं।
कि ये हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी के इधर को हमारे इतने अच्छे फूल हुए हैं, देखो ये फूल के पेड़ हैं और सारे फूल के पेड़ हैं, ऊपर तक मैंने फूल के पेड़ लगा रखे हैं ये, और सारे तो फूल के पेड़ लगा रखे हैं और यहाँ पे भी लगा रखे हैं ये छोटे छोटे, ये तुलसी माता है, ये भी फूल हैं, और ये मोर पंखे का पेड़ है, और ये मेरी निशुल आई थी, छोटा छोटा हो गया है, और ये वो ये हमारे घर का वो है, मैंने आप लोगों को दिखाई, ऐसे मैंने फूल लगा रखे हैं। और अब मैं लगा रही हूँ आम का पेड़, क्योंकि आज हम आम के पेड़ लाए हैं। ये देखो बिस्कुट पैकिंग करके, अब मैंने बिस्कुट पैकिंग कर दिए, देखो बिस्कुट पैकिंग कर दिए, और अब मैं लगाऊंगी आम का पेड़, और आम का पेड़ कटहल का पेड़, कटहल का पेड़ थोड़ा मुरझा गया है लेकिन आम का पेड़ हरा है, और मैं अपनी क्यारी में इसको लगाती हूँ नीचे खेत पे आज। ये देखो ये है मेरे लगुल, और जो खेत है इसमें मैंने पहले भी एक आम का पेड़ लगा रखा है, वो आम का पेड़ तो हो चुका है, और इस खेत में मैं फिर से ये दो पेड़ लगा रही हूँ, और वो मेरा केला का पेड़ है, और इसमें मेरे आजकल भिंडी हुई हैं, और भुज भी हो रखे हैं, आप जानते होंगे भुज, ये देखो बड़े बड़े भुजें हो रखी हैं, और ये देखो और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ये आम का पेड़ यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आम का पेड़ ये, क्योंकि ये है दोस्तों लोग आम का पेड़, और ये है कटहल के पेड़, ये सूख चुका है वैसे लगा रही हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अरे